राम राम किसान भाइयों, फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम यूपी के गोंडा जिले के विकास खंड पंडरी कृपाल अंतर्गत ग्राम पंचायत इंद्रापुर में हैं और आज हम जानेंगे तिल की खेती कैसे की जाती है और तिल की खेती करने के लिए क्या पर्याप्त समय है और कैसे इसकी उपज होती है। इन सभी बातों को जानने के लिए हम आज जानेंगे एक युवा किसान हैं जिनका नाम अरुण मौर्य है और ये तिल की खेती कैसे करते हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जी अरुण जी, तो आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई के साथ साथ खेती किसानी भी करता हूँ। खेती किसानी में आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को? सर, हम आपको बताना चाहेंगे, हमने ये तिल की खेती की है इस साल। तिल अच्छी तरह से हो रहा है यहाँ पर। अभी पहली बार हमने शुरुआत की यहाँ पर। यहाँ तिल की बुआई लगभग जुलाई महीने के अंत में की जाती है और ये तिलहनी फसल भी है। तो तिल की खेती जिसे पहले आप लोग करते थे अपने क्षेत्र में या नहीं करते थे? सर, पहले हमारे क्षेत्र में नहीं करते थे, बहुत पहले किया जाता था लेकिन बाद में बंद हो गया था। अभी हम लोगों ने दोबारा चालू किया है। अच्छा, वजह क्या थी जैसे बंद करने का, कि कोई इधर क्षेत्र में आपकी बुवाई वाई नहीं करता था? हाँ सर, ध्यान नहीं दिया किसी ने ना इस पर, ये सब तिल की खेती पर कोई ध्यान नहीं देता था, सब वही गेहूं धान इसी पर ध्यान देते थे। अच्छा, आपके क्षेत्र में सबसे मूल फसलें कौन सी है, जैसे कौन कौन सी फसलें होती हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया और ये सरसों का खेती है। अच्छा, यानी तिल की खेती कोई नहीं करता था? तिल की खेती कोई नहीं करता था। तो तिल की खेती करने के लिए आप विचार कैसे आया, आपने कहाँ देखी? सर, हमने टीवी पर देखा एक बार, डीडी किसान पर, वहाँ पर तिल की खेती का अच्छा बताया गया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए एक बार, तो ट्राई किया उस बार। ये देख ले सकते हैं आप, लाएं इसमें पास मिलाएं, इसको दिखाएं कि किस तरह ये खेती करते हैं और इसको इस फल को दिखाएं कि जैसे इस फल को इसमें फल आना शुरू हो गया है और वो फूल भी आ गया है, तो ये फूल धीरे धीरे बढ़ के इस तरह का फल बन जाता है। ये फल जब पक जाएगा पूरी तरह से, इस तरह से कुछ पक जाता है तो इसमें दाने निकलते हैं तिल के। जी, तो इस बार आपने तिल की खेती शुरू कर दी है तो आपको बहुत अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार कम खेतों में किया है, अभी एक दो हेक्टेयर में किया है, अगली बार इससे बड़े लेवल पर करना चाहेंगे। तो क्या मैसेज है किसानों के लिए कि आप क्षेत्र में कैसे, क्या हमारा यह मैसेज है कि आप भी तिलहनी तिल का खेती करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। तो ये थे हमारे साथ अरुण जी, जो पढ़ाई लिखाई के साथ खेती किसानी भी करते हैं और उन्होंने इस बार कम खेतों में इन्होंने अपनी जो तिलहनी की फसल यानी तिल की खेती इन्होंने की है। ऐसे में किसानों को अच्छा फायदा हो रहा है, किसान अब तिल की खेती करने के प्रति उनका मोह भी अब जाग रहा है और वह तिल की खेती कर रहे हैं। गोंडा से राजू मौर्य की रिपोर्ट।